हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रियलमी 3 के बारे में। तो इसका हाल ही में अभी इमेज लीक हुआ है और इसके कुछ स्पेसिफिकेशन भी पता चले और साथ ही साथ मैं लॉन्च डेट को भी कवर करूंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीर्वाद गोपाल। सबसे पहले बात करते हैं रियलमी के बारे में। तो रियलमी काफ़ी कम टाइम में अपना नाम जमा चुका है मार्केट में और अभी ये फिलहाल रियलमी 2 का अपग्रेड वेरिएंट लॉन्च करने वाला है रियलमी 3। तो इसका मैं आपको लॉन्च डेट बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा आप एंड तक। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लॉन्च डेट से। तो ये लॉन्च होगा 4 मार्च को। हाँ, 4 मार्च को, इसी 4 मार्च को। तो जो इमेज लीक हुआ है वो ये हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं इसमें एंटूटू स्कोर निकाला हुआ है जिससे परफॉर्मेंस पता चलता है फ़ोन का। और साथ ही साथ इसमें देखें तो आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलेगा और साइड में बेजल मिलेगा, ओके, क्योंकि थोड़ा सा उतना ज़्यादा नहीं है। बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो इसमें आपको हीलियो P70 का प्रोसेसर मिलेगा, एंड्रॉइड 9 पाई भी मिलेगा और ये ColorOS 6 पे काम करेगा, ओके। जहाँ तक लीक्स की बात करें तो इसमें ये पता चला है कि ये 2 वेरिएंट में लॉन्च हो सकता है प्रोसेसर के मामले में, एक हीलियो P60 और एक P70 करके, जिसका P70 का प्राइस हाई रहेगा और ये 2 कैमरा सेटअप के साथ आएगा जैसे कि मैंने आपको बताया। और नीचे में LED फ्लैश मिलेगा और ये वही डायमंड कट के साथ आता है जैसे कि आपको बताया, तो वही डायमंड कट रहेगा और थोड़ा सा ग्रेडियंट कलर मिक्स रहेगा बैक में। और इसका जो एक्सपेक्ट रेशो आपको मिलेगा स्क्रीन का वो मिलेगा 16:9, ब्लूटूथ 4.2 सपोर्ट करेगा और हाँ, इसमें आपको बैक में 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। यानी सीधा सीधा बोलूँ तो ये Redmi Note 7 Pro को टक्कर देगा या फिर वो तो लॉन्च होने से ही पता चलेगा कौन कितना बेस्ट है। तो 4 मार्च को देखते हैं लॉन्च होता है तो ये फ़ोन कैसा निकलता है। तो बस यार, यही था जो लीक हुआ था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगर आपको कोई डाउट है या फिर कमेंट है तो उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई एम आशीष गोपाल एंड आई एम साइनिंग आउट।